बच्चों, यह हिंदी मीडियम क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मानव निर्मित वस्तुएं, यह आपका पार्ट 2 है। पहले पार्ट का मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है, पाठ भी पढ़ा दिया है और उसका वीडियो भी सेंड कर दिया है और क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने सेंड कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने वीडियो सेंड किया है और आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले चैप्टर का आगे अभी कर दूंगी। आज मैं आपको मानव निर्मित वस्तुएं पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, यहाँ आइए आप बुक पे। ये आपका पार्ट 2 मानव निर्मित वस्तुएं हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आप माता पिता इसे खरीद कर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाया है। कागज़ की लुगदी से कागज, रबर, पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी ही सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बच्चों, आप संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वह या तो प्राकृतिक निर्मित होती हैं या मानव द्वारा निर्मित होती हैं। प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं वो होती हैं जो मानव द्वारा नहीं बनाई जाती, जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है, जैसे तालाब, झील, पर्वत, पेड़, पौधे इत्यादि आपकी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं। इनके अलावा वे वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे कार, मोटरसाइकिल। घरों में जितनी भी निर्जीव चीज़ें आप देखते हैं सारी क्या हैं? आपकी मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वह सजीव होती हैं। वह प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या होती हैं? सजीव होती हैं। और मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं, जो काम तो आपकी कर सकती हैं पर उसमें जीवन संभव नहीं हो पाता। जैसे पंखा है, लाइट है और पलंग है या तमाम तरह की चीज़ें जो भी आप अपने घर में, स्कूल में, बाहर देखते हो, वो सब चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं वह मानव द्वारा बनाई गई होती हैं। जिन चीज़ों में जो चीज़ें सजीव नहीं होती हैं वह अधिकांशतः वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई गई होती हैं। और प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं आपकी जैसे तालाब है, झरना है, झील है, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, ये और वनस्पतियाँ हैं, ये सब प्राकृतिक के द्वारा निर्मित वस्तुएँ हैं। अब इसी तरह गांवों, कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहारों के हाथ से बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, ये सब आप देखते होंगे। घड़ी देखते हैं, साइकिल, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित हैं। जैसे कुछ चीज़ों का चित्र यहाँ पे दिया गया है। कप है, प्लेट है, साइकिल है, पंखा है, स्टूल है इत्यादि क्या हैं आपकी? यह मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसका फिगर आप अपने कॉपी में अवश्य बना लेना। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी क्या हैं? प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें हैं। गाड़ी, मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा। हाँ, देखिए, मिट्टी जो बनाई जाती है यह आपकी प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है पर यह जीवित नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं प्रकृति के द्वारा जो कि ये सजीव नहीं है, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं सजीव होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सजीव नहीं होती, जैसे मिट्टी है, खनिज है इत्यादि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएँ आपकी हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी प्राकृतिक प्रदत्त हैं या नहीं, ये सब मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, उसको अब आप इसके आगे पढ़ोगे। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।
आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। आदिकाल में क्या था, मानव जो थी उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, तो इसीलिए प्रकृति के द्वारा बनाए स्रोतों पर ही वह ज़्यादातर अपने जीवन को निर्वाह कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, जैसे जैसे सुविधाएं मनुष्यों के लिए बढ़ती गईं, वैसे वैसे सभ्यता के विकास के कारण जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होने लगी, वैज्ञानिक और जैसे जैसे विज्ञान जो है हमारा प्रगति करने लगा, उसके कारण मनुष्यों की आवश्यकताएं भी धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव हो गया। अतः मनुष्य ने अपने बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास हैं। ठीक है, अब इसके आगे का वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगा।